स्फूर्त सिंह। आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जिसका सभी को इंतजार था और राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अब तक। और राजभवन के बाहर हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग पहुंच चुके हैं। दीपेश, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है वहां से, आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, आपको बता दें कि अभी सीएम बजन लाल शर्मा है जी, औपचारिक रूप से जो लिस्ट थी विधायकों की वो कल राजमिश गवर्नर को सौंप के गए हैं और तैयारियां पूरी जोरों पे, और विधायकों के पास फोन आने भी चालू हो गए हैं। कुछ विधायक है जो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं क्योंकि वहां से तिलक करके इनको रवाना किया जाएगा और 3:15 बजे यहाँ पे शपथ ग्रहण की तैयारी की जाएगी। तो हमारे साथ है सहयोगी राजनारायण शर्मा जी, इनसे हम जानते हैं कि किन किन विधायकों के पास फोन आया है और क्या तैयारियां हो रही है। देखिए दीपेश, जिस तरह से गवर्नर हाउस में तैयारियां जो है अंतिम दौर में है, क्योंकि 3:15 पे जो है यहाँ के लगभग सभी विधायक जो है मौजूद होंगे और 3:30 बजे है शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल जो है राज्यपाल के यहाँ आयोजित होगा। इसमें जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उनको सभी को जो है बीजेपी ऑफिस से जो है तिलक लगा के, जो इनकी परंपरा रही है, जो भी कांग्रेस सरकार आती है बीजेपी सरकार आती है तो उनके जो जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ पे कार्यालय में जाके तिलक लगा के उनको रवाना किया जाता है। ऐसे में जो विधायक हैं वो बीजेपी ऑफिस पहुँचना शुरू हो चुके हैं। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक के पास फोन आया है, लेकिन पुख्ता सूची अभी तक राजभवन सचिवालय ने आउट नहीं की है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान हैं उन्होंने अपनी एक सूची जो है राज्यपाल को सौंपी है, जिसके आधार पर राज्यपाल जो है उन विधायकों को शपथ दिलाएंगे जो विधायकों की सूची उन्होंने सौंपी है। अभी भी 10 मिनट पहले जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ से निकले हैं, सीधे वो अपने अस्थायी निवास पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो वहाँ से सीधे वापस शपथ दिलाने के लिए राजभवन पहुँचेंगे। अब जिन विधायकों की हम बात करें उनमें मदन दिलावर हैं, हरिलाल खर्रा है, ओटाराम देवासी है, जाबर सिंह खर्रा है, ये कई नाम जो हैं जो उनको फोन की सूचना दे दी गई है, ऐसा मैसेज आए हैं। लेकिन अभी सूची जो है फाइनल सूची बाहर नहीं आई कि किन किन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है ये भी हम इनसे जानेंगे। शपथ ग्रहण को क्या तैयारी? शपथ ग्रहण को लेकर करीब 2000 कुर्सियां यहां लगाई गई है और पूरी तैयारियां टेंट लग चुके हैं, सिर्फ शपथ दिलाना बाकी है। गवर्नर जो है यहां मौजूद है, राज्य जो मुख्यमंत्री हैं वो थोड़ी देर बाद वापस शपथ ग्रहण समारोह जब शुरू होगा करीब 3:10 3:15 पे, उसके बाद शपथ ग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि कुछ विधायकों के पास फोन आने भी चालू हो गए हैं और उनको फोन करके इतला कर दिया और औपचारिक रूप से जो इनकी परंपरा रही है बीजेपी से वो तिलक लगाकर यहाँ पे रवाना होंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे, तो इस तरह से पूरी तैयारी कर ली गई जी, है। जी दीपेश, इसी के साथ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इसी के साथ में क्या उनका पोर्टफोलियो भी उनको दे दिया जाएगा, उनके जो कार्य है उनकी कार्य प्रणाली उनको सौंप दी जाएगी? जैसे कुछ ही विधायकों से बात हुई है उन्होंने बताया है कि जो जिम्मेदारी हमें दी जाएगी तो इससे माना जाता है कि आज ही इनको कार्यप्रणाली सौंप दी जाएगी और वो अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बखूबी से निभाएंगे। तो इस तरह से ये माना जा रहा है कि अपनी कार्य जो इनको कार्यप्रणाली है जो इनकी जिम्मेदारी है वो आज ही इनको शपथ ग्रहण के बाद दे दी जाएगी, डिपार्टमेंट्स है जो अपने सौंप दी जाएगी। जी दीपेश, इसके अलावा कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 3:15 तक का समय दिया गया है, अब क्या कुछ वहां पर इसको लेकर मंथन किया जा रहा है, क्या कुछ वहां हालात बने हुए हैं? यहाँ पे क्या मंथन चल रहा है, क्या तैयारी शुरू हो गई है, इस बारे में आप बताएं। मंथन पूरी तैयार है, सरकार मंत्रिमंडल शपथ को लेके और सूची सौंप दी गई है, पूरी तैयारी है, सिर्फ अब इंतजार है सिर्फ 2-2.5 घंटे का, उसके बाद मंत्रिमंडल शपथ जो है मंत्रिमंडल की शुरुआत हो जाएगी, किन किन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, पूरी तैयार सूची जो है भजन लाल शर्मा ने सौंपी है और जो विधायक है जिनको मंत्री बनाया जा रहा है वो बीजेपी ऑफिस में लगातार पहुंचना उनका शुरू हो गया है, उनके समर्थक भी जो है पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 2000 लोगों की व्यवस्था यहाँ की गई है, जो विधायक मंत्री बनेंगे उनके जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। ऐसे में पूरी तैयारी राजभवन की तरफ से हो गई है, सिर्फ इंतजार है विधायकों को आने का और मंत्री पद की शपथ दिलाने का। करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे का समय अब बचा है और उसके बाद जो है राजस्थान सरकार
पूरी तैयार हो जाएगी, पूरे मुख्यमंत्री के साथ में कौन कौन से मंत्री होंगे, ये पूरी जो डिपार्टमेंट सहित जो है उनको जिम्मेदारी शाम तक दे दी जाएगी। पूरे मंत्री कक्ष वो तैयार हैं अपने मंत्रियों के इंतजार में। गाड़ियां जो है सज धज के बिल्कुल गवर्नर हाउस पहुंचने वाली है मोटर विभाग की तरफ से। तो पूरी तैयारियां जो है राजस्थान सरकार और राजभवन की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 2-2.5 घंटे बाद जो है जो विधायक जो शपथ लेंगे उनको मंत्री बना के यहाँ से विदा किया जाएगा। स्फूर्ति जी, राजनारायण जी, इसी के साथ में ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि क्या युवाओं को इसमें चांस दिया जाएगा और जो जाट समीकरण है उनको भी साधा जाएगा? लगाए जा सकते हैं कम से कम 10 से 12 जो है वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कम से कम 6 या 7 जो है राज्य मंत्री बनेंगे और 4 जो है वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। ऐसा एक जो है ढांचा तैयार किया है भजनलाल शर्मा ने, क्योंकि बहुत मंथन हुआ है जयपुर से दिल्ली तक और उसके बाद में ये पूरा निचोड़ निकालने के बाद जो सूची हमारे सूत्रों के अनुसार, चूंकि 18 से 22 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, 3 ऑलरेडी ले चुके हैं मुख्यमंत्री के साथ, 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, तो कुल मिला के 25 जो है सीटें भर दी जाएगी। 5 सीटें जो है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में दोबारा एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें 5 सीटें जो है वो भरी जानी बाकी रहेगी, तो 5 सीटें खाली रहेगी और पूरे जो जितने भी मतलब जातीय समीकरण क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर यह मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पूरा करीब 15 से 20 दिन का मंथन करने के बाद ये सूची तैयार हुई है और उसका जो निचोड़ है करीब 2 घंटे बाद पता लगेगा कि राजस्थान की जो कौन कौन से मंत्री है जिनके सिर के ऊपर ताज सजा जाएगा। तो कुछ समय की बात है, 2 से 2.5 घंटे के बाद पता लगेगा राजस्थान का मंत्रिमंडल कैसा होगा, क्या जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, कैसे वो जनता के वादों पर खरा उतरेंगे, कौन सा 2024 का जो चुनाव है उसको देखते हुए बीजेपी ने जो तैयारियां की है उस पर कितना असर उसका पड़ता है, ये सिर्फ 2 या 2.5 घंटे के बाद पता लगेगा राजस्थान के नए मंत्रिमंडल में जिन जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा उसके बाद तय होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपेश और राजनारायण जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।